दोस्तों स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का आज की इस वीडियो में। और मैं हूँ आपका होस्ट यू के। आज मैं आपके लिए ऐसे एक एप्लीकेशन लेके आया हूँ जो शेयरिट की अल्टरनेटिव है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और मेरा नाम है यू के, मैंने पहले ही बताया। तो लेट्स गेट स्ट्रेट इन द दोस्तों, ये है क्विक लुक XENDER एप्लीकेशन की। और देख लीजिए इसका लेआउट वगैरह कैसा है, सब प्रेजेंटेशन वगैरह। और शेयरिट के मुकाबले आपको अगर जो अच्छा लगता है वो आप इंस्टॉल कीजिए और यूज़ कीजिए। पर्सनली मुझे तो XENDER काफ़ी अच्छा लगा। और आप पे डिमेंड है, अभी आपको कौन सा लेना है, XENDER या फिर शेयरिट? सो गाइस, जो आज के एप्लीकेशन का नाम निकल गया था वो है XENDER। तो ये XENDER जो है वो शेयरिट की अल्टरनेटिव है और इसके काफ़ी सारे पॉइंट्स जो है वो आपको अच्छे लगेंगे शेयरिट के मुकाबले। और सबसे पहले जो मेन बात है वो XENDER में वो है एड्स फ्री। इसमें आपको एड्स देखने नहीं मिलेगी, बस आपकी जो शेयरिंग होगी वो क्लियर कट होगी विदाउट एनी एड्स, विदाउट एनी हेजिटेशन। और दूसरा जो पॉइंट है कि इसमें जैसे शेयरिट में आपको पॉपअप नोटिफिकेशंस मिलता था कई ऐप्स के रेफरल्स के, जैसे मतलब रेकमेंड करता था कुछ कुछ जो शेयरिट आपको नोटिफिकेशन बॉक्स में, तो XENDER ऐसा कुछ नहीं करता। पॉपअप नोटिफिकेशंस वगैरह कुछ नहीं दिखा था, सिर्फ आपको शेयरिंग करना है, बस आप XENDER से बाहर निकले, XENDER का काम ख़त्म और आपके बीच वो इंटरफेयर नहीं करेगा आपके मल्टीटास्किंग के अंदर। और XENDER जो है उसका क्लीन लेआउट है दोस्तों। और क्लीन लेआउट का मतलब जैसा शेयरिट में जो है वो पूरा मेस्ड अप दिखता है सब, तो XENDER में जो है वो काफ़ी क्लीन है, पूरा बैकग्राउंड वगैरह और लेआउट्स भी काफ़ी अच्छे से अरेंज करके दिए। अभी जो लेटेस्ट वर्जन है वो तो काफ़ी अच्छा है, 2018 का जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगा नीचे, तो उस लिंक पे क्लिक करिए और XENDER डाउनलोड कर लीजिए और एक्सपीरियंस कीजिए। ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ कि शेयरिट को अनइंस्टॉल कर दीजिए, बट आप खुद एक्सपीरियंस कीजिए कि आपको कैसे लगता है XENDER शेयरिट के मुकाबले। तो मैंने तो पर्सनली यूज़ किया, तो मुझे XENDER अभी काफ़ी अच्छा लगने लगा है शेयरिट से। तो और XENDER भी काफ़ी पुरानी एप्लीकेशन है, शेयरिट जब लॉन्च हुआ था तभी उसके आसपास XENDER भी था। तो मैं तो पहले XENDER ही यूज़ करता था लेकिन शेयरिट पे मूव हुआ और अभी फिर से XENDER पे मूव होने का सोच रहा हूँ। दोस्तों आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे बताना ज़रूर। तब तक के लिए बाय बाय।